आबाद रहें सेहतमंद रहें और खुशहाल रहें तो जनाब आज की वीडियो एक मिक्स प्लेट है मैंने डिफरेंट दिनों के क्लिप्स आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किए हैं और अब आपकी खदमत में हाजिर करने जा रही हूँ इसलिए ये एक मिक्स प्लेट है मौसम बहुत अच्छा था जनाब बैठे बैठाए प्लान बन गया गीगा मॉल जाने का गीगा मॉल की खूबसूरती और रात को गीगा मॉल की खूबसूरती हमें बहुत पसंद है इसकी लाइटिंग इसका स्टाइल सब बहुत अच्छा लगता है इसलिए तो जब भी हमें मौका मिले हम यहाँ चले जाते हैं क्योंकि हमारे घर के बिल्कुल करीब है ये तो जनाब ये हम गीगा मॉल के अंदर एंटर हो चुके हैं साइम की व्हील चेयर हम हमेशा अपने साथ लेके जाते हैं वैसे तो आपको मॉल्स में भी मिल जाती हैं लेकिन समटाइम्स बिज़ी होती हैं इसलिए हम हमेशा घर से लेके जाते हैं साइम के लिए तो जनाब ये देखें हम मख्त जगहों से होते हवाते जो है बस आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और ये आ गया है लाइम लाइट जनाब लाइम लाइट आए और मैं और सोबिया शॉपिंग के लिए ना जाएँ और अगर हमें थर्टी परसेंट का ऑफ मिल रहा हो फिर तो मज़ा ही आ जाता है तो जनाब मेरी तो कोशिश है कि आजकल इस महंगाई के ज़माने में ऑफ़ जब लगे तो तब ही मैं ज़रूरत की शॉपिंग करूं वरना मैं इंतज़ार कर लेती हूं कि ऑफ़ मिले तो ही मैं ज़रूरत की शॉपिंग कर लूं क्योंकि इस महंगाई के दौर में जहां से भी हम सेविंग कर सकें हमें करनी चाहिए जी हमने भी लाइमलाइट से जैकॉट के कुछ ट्राउज़र्स ख़रीदे थे बहुत प्यारे ट्राउजर्स आए हुए थे जैकॉट के ट्राउजर्स आप किसी भी चीज़ किसी भी प्रिंटेड या कढ़ाई वाली शर्ट के साथ उनको पहन सकते हैं बहुत प्यारे थे तो ये जनाब अभी बच्चियाँ दोनों चली गई थी कुछ ज्वेलरी इन्होंने खरीदी और हम सायम मैकडोनल्ड ले फिर कहना नहीं मानता ना इधर देखें मामा को मामा को देखें एसे, एसे। जी हम बैठे हुए थे मैकडोनल्ड पे इसलिए पहले भी हमने आइसक्रीम खाई और जब फिर सोबिया और रामीन अपनी कोई शॉपिंग करके वापस आई तो फिर हमने दोबारा से एक दफ़ा आइसक्रीम का दौर चलाया क्योंकि हमें मैकडोनल्ड की आइसक्रीम बहुत पसंद है तो जनाब अब हम वापसी का टाइम हो गया है हम वापस जाने लगे हैं क्योंकि हमारी कार हमने वॉलेट पार्किंग में दी हुई थी जो कि 11 बजे तक उसका टाइम था तो अब हम अपनी कार लेने वॉलेट पार्किंग में जा रहे हैं तो बस जनाब उसके लिए जो है वो पहले एक लिफ्ट में हमें बैठना पड़ा फिर जो है वो किसी दूसरी लिफ्ट में क्योंकि हमने जिस फ्लोर पे जाना था इस फ्लोर पे कोई दूसरी लिफ्ट जाती थी इसलिए अब हम दूसरी लिफ्ट में जा रहे हैं बैठने के लिए और आप ये देखें ज़रा गीगा मॉल की ये खूबसूरती भी मुझे बेहद पसंद है और मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए ज़रूर रुकती हूँ चाहे मैं जितनी मरतबा भी जाऊँ मैं इन प्लांट्स के पास थोड़ी देर के लिए ज़रूर रुका करती हूँ तो ये जनाब हम पहुँच गए हैं अपने उस फ्लोर पर जहाँ पर हमें अपनी गाड़ी मिलनी है वॉलेट पार्किंग से तो बस जनाब हमारा आज का जो था वो गीगा मॉल का विजिट पूरा हो गया हम ना हमारा शॉपिंग का कोई एजेंडा नहीं था लेकिन सोबिया ने कोई छोटी छोटी अपनी चीज़ें लेनी थी इसलिए इसने वो चीज़ें ले ली हम फ्री हो गए और अब हम जा रहे हैं जनाब वॉलेट पार्किंग की तरफ और आप देखें इसके रास्ते में इन्होंने इतने ख़ूबसूरत प्लांट्स लगाए हुए हैं मुझे ये भी इतने पसंद हैं कि मैं जब भी जाती हूँ ना मैं इन प्लांट्स को प्यार भी करती हूँ इनसे बातें भी करती हूँ और इनकी पिक्चर्स और इनकी वीडियो भी ज़रूर बनाती हूँ मुझे बहुत प्यारे लगते हैं माशाल्लाह से एक रो में लगे हुए एक तरह के प्लांट्स हैं एक ही तरह के इनके पॉट्स हैं तो मुझे बहुत प्यारा ये सीन लगता है तो जनाब यह आ गया है अब एक अगला दिन हम गए हुए हैं एक शादी पर मैं और उमर साहब और साइम क्योंकि सोबिया और रामीन दोनों लाहौर चली गई थी ये इस शादी पर नहीं है बहुत ही प्यारी ये शादी थी रमादा के हॉल में ये शादी थी और बहुत सिंपल सा फंक्शन था छोटी सी गैदरिंग थी बहुत हमने एंजॉय किया बहुत मज़ा आया जो निकल और हमने ना बहुत इंजॉय किया इस शादी पर सारे रिलेटिव से भी हमारी मुलाकात हो गई है उमर साहब की फैमिली की एक शादी थी इसलिए सब हम मेरे इन लॉज भी आए हुए थे सबसे वहीं पर एक बड़ी अच्छी सी मुलाकात भी हो गई थी और बहुत प्यारा सा ये फंक्शन था बड़ा अच्छा सा इसको वेल मैनेज किया गया था ये आप लोग देखें टेबल सेटिंग बहुत अच्छी की गई थी और खाना तो बहुत ही कमाल का था क्योंकि लाहौर में जो है वो अभी तक शादियों पर इस तरह से आप बुफे टाइप डिनर्स नहीं दे सकते आपको वन डिश ही जो है वो लाहौर में होती है लेकिन यहाँ पर माशाल्लाह बहुत अच्छा बूफे टाइप डिनर था ये मेरी डिनर प्लेट है और मैं इसमें लेके आई हुई हूँ ये अफगानी राइस हैं मटन में बने हुए साथ ही मटन कोरमा है और डिफरेंट किस्म की सैलड्स हैं इसके अलावा भी शादी पे बहुत सारे और खाने थे चिकन कढ़ाई थी चपली कबाब थे ढेरों ढेर खाने थे बुफे टाइप डिनर था लेकिन यहाँ देखें पूरे दस बजे उन्होंने हॉल की तमाम लाइट्स ऑफ कर दी थी और अब मैं और साइम बैठे हुए हैं कि उमर साहब जो हैं वो गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे कि गाड़ी आए तो हम वापस आए तो ये जनाब हम आ गए हैं घर वापस और मैंने कहा कि मैं आपको अपना आउटफिट भी दिखा दूँ कि मैं शादी पर क्या पहन के गई हुई थी और किस तरह का आउटफिट था वेरी ऑब्वियस शादी थी तो मुझे थोड़ा सा फैंसी सूट पहनना था और फिर इन लॉज की शादी थी ना ठीक है जी तो इसलिए ज़रा मुझे थोड़ा सा फैंसी टाइप जो है वो मैंने आउटफिट पहना हुआ है और ये आउटफिट मुझे ख़ुद भी बहुत पसंद है बहुत ही पसंद है और शायद ये पिक्चर में या वीडियो में इतना प्यारा नहीं आया जितना ये देखने में हसीन है बहुत ही प्यारा ड्रेस है ये तो यहां है जनाब जुम्मे का दिन और मैं बना रही हूं हलवा जुम्मे के दिन मेरी कोशिश होती है कि अल्लाह के नाम के ऊपर मैं एक लंगर ज़रूर दूँ थोड़ा या ज़्यादा इसकी कोई पाबंदी नहीं होती मैं बस एक छोटा सा लंगर ज़रूर देती हूँ अल्लाह के नाम पे और आप लोग भी ऐसा ज़रूर किया करें जितनी आपकी तोफ़ी है जितनी इस्तात है ये ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ही बड़ा लंगर करें छोटे से छोटा करें और मैंने इसको आज़मा के देखा है आपके रिस्क में आपके घर में आपकी सेहत में बहुत बरकत होती है जब आप अल्लाह के नाम का लंगर और मैं उन लोगों में बांटती हूँ जिनको मैं जानती नहीं हूँ उन लोगों को मैं तकसीम करती हूँ और ये जनाबे वाला उस दिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और मैं टैंक हमेशा अपने घर में बना के रखती हूँ और मैं चीनी वाला टैंक नहीं पीती मैं बस टैंक और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल के बना लेती हूँ और पूरा दिन मैं इसको थोड़ा थोड़ा पीती रहती हूँ आप यकीन करें ये मुझे इतनी एनर्जी देता है इतनी एनर्जी देता है कि मैं आपको बता नहीं सकती आप लोग भी कोशिश करें कि ज़रूर थोड़ा टैंक जो है ना वो अपनी रूटीन में शामिल रखें टैंक पिया करें जी जनाब ये अब देखें एक और अगला दिन आ गया है बहुत ही ख़ूबसूरत मौसम है और आज सोबिया और रामीन वापस आ रही हैं तो हमने उन्हें पिक भी करने जाना है और देखे मौसम किस कदर ख़ूबसूरत हुआ हुआ है माशाल्लाह बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं और वक्फे वक्फे से बारिश भी हो रही है बहुत ही ख़ूबसूरत मौसम इन्जॉय करने वाला मौसम हुआ हुआ है तो उमर साहब ने कहा कि आज आप लोग भी फिर साथ चलिएगा यानी मैं और साइम भी तो फिर हम सोबिया और रामीन को डेबू से पिक करके लाएंगे तो वो देखें आप मौसम इंतहाई खूबसूरत है और मैं और उमर साहब बैठ के हम यहाँ पर मौसम को इंजॉय भी कर रहे हैं और बहुत ही लुफ्फोज़ हो रहे हैं मौसम से बहुत हमने इन मौसम को इंजॉय किया और यहाँ जनाब मैं पका रही हूँ अंडे और कोफ्ते क्योंकि रामीन को अंडे कोफ्ते बहुत पसंद हैं तो आज मैं उसकी पसंद का डिनर बना रही हूँ यहाँ जनाब देखें मेरे कोफ्ते तकरीबन रेडी हो गए हैं और बस जनाब साथ ही टाइम होता चला जा रहा है कि हमने इनको पिक करने के लिए फैजाबाद जाना है ये फैसल मूवर से वापस आ रही हैं फैसल मूवर्स की बहुत अच्छी सर्विस है और ये हम हमेशा इसकी जो बिज़नेस क्लास वाली बसेज़ हैं ना वो हम लोग उनमें ट्रैवल करते हैं बहुत कंफर्टेबल जो है ना वो ट्रैवल रहता है तो ये जनाब आप देखें हम फैज़ाबाद पहुंच चुके हैं और बस अब इंतज़ार है कि इनकी बस आए और हम इनको पिक करें और वापस जाएं जनाब तो यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी देर के बाद बारिश भी हो रही थी और मौसम बहुत अच्छा था हमने गाड़ी का ए बंद किया हुआ था शीशे वीशे खोले हुए थे क्योंकि मौसम बहुत ही खूबसूरत था और ठंडी हवाएँ चल रही थी तो हमने इस सफ़र को भी बहुत इंजॉय किया ये फैसल मोवर की वो बस है जिसमें ये लोग पहुंच चुके हैं और बस अब उमर साहब आप देखें जा रहे हैं इनको बस से पिक करने के लिए तो आप देखें जनाब अपनी बेटी को किस तरह से पिक करके लाते हैं क्योंकि रामीन पहली दफा हमारे बगैर गई थी लाहौर खाला के साथ तो हम भी इसके बगैर बहुत उदास हो गई ये बाबा ने इसको जनाब पिक कर लिया है बस से जनाब और अब इसको लेकर आ रहे हैं गाड़ी में गोद में देखे उठाया हुआ है क्योंकि ये हमारे लिए पहला मौका था कि ये कहीं गई है और इतने दिनों के लिए और अब वापस आ रही है बहुत हमने जो इसको मिस किया था अलैकुम मामा की जान मामा की बेटी खोलो 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 खोलो

जी तो जनाब ये हम घर आ गए हैं और बाबा ने रामीन के लिए वेल रामीन को वेलकम कहने के लिए एक बहुत प्यारा सा फ्लावर बुके लिया था और वो हमने रामीन को दिया और रामीन को बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये इस तरह से भी जब बच्चों को आप वेलकम बैक कहते हैं ना तो बच्चे बहुत खुश होते हैं और हमने वाकई रामीन को बहुत ज़्यादा मिस किया था क्योंकि दस साल जिंदगी में ये पहला मौका था कि वो इस तरह से इतने दिनों के लिए घर से गई थी हमारे बग़ैर तो बस जनाब मेरी वीडियो यहाँ तक की थी इनशाला मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अब हम मिलेंगे इनशाला किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अपना रखिए बहुत ख्याल खुश रहिए आबाद रहिए